ಯಾವ ಗುಜರಾತಿವ ನೀರುವ ಆಧಿ ಅರ್ಧ ಬಚ್ಚ ಯುವಾನ್ ಹೋಗ್ಯಾ ಛೋಕರೋ ಜುವಾನ್ ದೇ ಜಾಯೇ ಅಂತ ಬದಲ ಹೋದ ಮಾರೇ ನಕ್ಕಿ ಔರ್ ಜೊ ಕಷ್ಟ ಹೋತಾ ಉಸ್ಕೋ ಕಹತೇ ಹೈ ಆಧಿ ಫಿರ್ ಬಹು ಆತಿ ಹೈ ಔರ್ ಜೈಸಿ ಸಾಸ್ ವೈಸಿ ಆ ಜೈಸೆ ಭಗತ್ ಐಸೆ ಭಗವಾನ್ ಜೇವಾ ನೇ ತೇವಾ ಮಲೇ ಆ ಈ ನಿಯಮ ಹೈ ಜಗತ್ ಕಾ ಫಿರ್ ಜೋರ್ ವಾಲಿ ಬಹು ಸಾಸ್ ಹೋತಿ ಹೈ ತೋ ಉಸ್ಕಿ ಬಹು ಭೀ ಜೋರ್ದಾರ್ ಆತಿ ಹೈ ತೋ ಫಿರ್ ಔರ್ ಸಾಸೂ ಕಾ ಸ್ವಭಾವ ಕ್ಯಾ ಹೋತಿ ಹೈ ಮಾಲೂಮ್ जब तक वो बहू के हाथ का खाती नहीं है तब उस तब तक उसको मुक्ति नहीं मिलती। मैं रोटले की बात कर रहा हूं, बहू के हाथ के रोटी की बात कर रहा हूं, रोटला नहीं। हमने गुजरती हूँ कि बहू ने अपना रोटला खाए तो मुक्ति मर, पर हमें रोटला नहीं के बीजू खाई थी। तो आदि वो है जिसको अनुपस्थिति में मिलता है और शरीर जो कष्ट देता है उसको व्याधि कहते हैं। और वस्तु पैसा नहीं था, पैसा नहीं है जो दुख है उसको कहते हैं। संसार में काफी लोग ऐसे हैं, उनकी समस्या का कारण उसको कहते हैं उपाधि। तो ताहिन व्याप त्रिविध त्रिविध भवशुदा आदि व्याधि और उपाधि जो भगवान का आश्रय करते हैं उनको नहीं रहती है। मैं निश्चर अति अधम स्वभाव शुभ आचरण किन्न ही का हूं जा स्वरूप मुनि ध्यान आवा ते प्रभु हर्षि हृदय मोहि लावा। काले कई नहीं है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। काले को ना कबर ये कभी भी अपने को विचार आता है ना, नहीं कल पे मत छोड़ना। मन बुद्धि चित्त और अहंकार ये चारों चीज ऐसी खतरनाक है। आपको आज विचार आया तत्काल कर दो और बेस्ट खास करके शुभ विचार। एक आश्रम में रात्रि को 2 बजे महिला ने हल्ला मचाया कि मुझे गुरुजी से मिलना है। तो सबने पूछा कि अभी क्यों, सुबह मिल लेना। तो ना अभी ही मिलना है, कैसे भी करके। तो सब लोग ने कहा गुरुजी महिला कुछ ज्यादा प्रताड़न कर रही है, आपको अभी मिलना है। तो गुरुजी ने कॉल किया, माता आई, कुछ अपने पेपर वगैरह था, कुछ दक्षिणा वक्षिणा थी गुरुजी को दे दिया। गुरु जी प्रणाम, मैं जा रही हूँ, आप सो जाओ। तो गुरु जी ने बुलाया, ये सुबह नहीं हो सकता था, सब आश्रम वाले को जगा दिया रात को, ये आपने सही नहीं किया। तो महिला बोली, बाप जी मुझे मालूम है सही नहीं है, मगर बाप जी मेरा मन बहुत खराब है, रात्रि 2 बजे में उठ गई और मुझे विचार आया कि मुझे इतना इतना गुरु जी को दे देना है। यदि मैं उसको सोचती कि सुपर में दे दूं तो तुरंत वो मन उससे हट जाता है और विचार हमारा इतना ही आता है जितना हमारा सामर्थ्य होता है। तो शुभत्व को खुशकिस्मती एक बार दरवाजा खटखटाती है, कोई आपको एक बार बोलेगी ये काम कर ले, मगर बदकिस्मती तब तक दरवाजा ठोकती है जब तक आप खोल न दो। ये डेविल के साथ स्वर्ग रे नर्क, नर्क नो गेट के उसे नो स्वर्ग नो गेट के उसे ना तो जोरू छता पर जस्ट इमेज स्वर्ग नो बहुत सरस नर्क नो नो स्वर्ग का इतना अच्छा नहीं है, नॉर्मल है, मगर नर्क का गेट बहुत डेकोरेटिव है। वही जाते हैं लोग स्वर्ग में,
शुरुआत में आकर्षण होता है, ये क्या है, स्वर्ग घूमने चुनते भाव, फिर बाद में डेविल बहुत सुंदर है, राक्षस ये बता दे रहे ऐसे दो मुख ने सिंह ने ऐसा नहीं होता है, डेविल तो बहुत सुंदर होता है सर, तभी तो हम उसका आश्रय करते हैं, मगर बाद में वो अपना स्वरूप बदलता है। When you enter in, वो आपको जब ग्रसित कर लेगा तब अपना वो विकृत और ओरिजिनल चेहरा प्रदर्शित करता है। बाकी भगवान तो शांत है, सौम्य है, वो वेश नहीं बदलते हैं। ये तामसी लोग ये अनिष्ट वेश बदल कर आते हैं, शुरुआत में बहुत अच्छा लगता है, जुआ बहुत अच्छा लगता है, अनिष्ट जितने भी है बहुत एक्टिविटी उसके पैकिंग बहुत बढ़िया होते, खराब चीज के पैकिंग बहुत बढ़िया होते। चलो कितना बज गया, नौ बढ़िया ले बैठक सुन अहो भाग्य मम अमित अति राम कृपा सुख पूंज देखो नयन बिरंच शिव सिद्ध जुगल पद कंज सुनहु सखा निज कहु सुभाउ जान भुसुंडे सब गिर जाउ जो नर होइ चराचर द्रोही आवे सबै शरण तति मोहि कही मत मो कपट चलना ना करहु सत्य ते साधु समान जननी जनक बंधु सुत धारा तन बन पवन सुहद पर सबके ममता काज बटोर मम पद मन ही पांडवरि डोरी समदर श्री इच्छा कछुना हर्ष शोक बई नहीं मन माही अस्तर्जन मम और बस कैसे लोभी हृदय तुम सारी खे संत प्रिय मोरे देह नहीं आननी होरे सगुन उपासक पर निरति नीति दरने ते नर प्राण समान मम जीते द्विज पद से सकल गुण तोरे ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे राम बचन सुनि बानर दूता सकल कहै जय कृपा बरूता सुनत विभीषण प्रभु के बानी नहीं अघात सव नाम पद अम्बुज गई बारही बार हृदय समातन प्रेम अपार भक्ति पावनी हे सदा शिव मन पावनी हे मस्त कही पूरन धीरा मांगा तुरत सिंधु करनी यद्यपि सखा तब इच्छा नाही अब कही राम तिलक ते सारा सुमन दर्श नभ पय अपार रावण क्रोध अनल निज श्वास सबीर प्रचंड जरत विभीषण राघव तिनहु राज प्रभु जाई बजई जे आना हे नर बसु बिन पूछ बिसाना निज जन जान ताई अपना बा प्रभु सुभाव कवि बोले बचन प्रतिपालक तारक मंज दंज सुन कपि लंका पति बीरा के विधि करई जन गंभी संकुल मकर उरग दस जाति अति असाध्य दुष्कर सब भाति कहलं ते सुतहु रघुरा
प्रभु तुम्हारे गुरु गुरु जनकी काय उपाय विचारी बिन प्रयास सागर तरी सकल वायु कति सखा कही तुम नीति उपाय करिय देव जो हो सहाय मंत्र न जह लक्ष्मण मन मन बा राम वचन सुनि अति दुख पाव नाथ देव कर कवन भरोसा सोती सिंधु करिय मन रोस सागर मन कहु एक आधार देव देव आलसी सुधा सुनत हसि बोले रघुबीर कैसे कर बजरहु मन दी अत कही प्रभु अनुजहि समझा सिंधु सवि पा गए रघुराय प्रथम प्रणाम किं तिरुनाय ते ते पुनि तद जाय बदसा जब हित दीशन प्रभु पहिता पाछे रावण दूत सकल चरित तिन देखे जरे कपट कपिए प्रभु गुण हृदय सरारही शरणागत परनी प्रकट प्रथा नहीं राम सुभा अति का प्रेम का प्रीत रिजुरा सकल बांधिका किस पहिता का सब देव सुनम सब बानर अंग बंद करि पटिया सुनि तो देव बचन कपि दाए बांधि कटक चौपास पिरा बहु प्रकार कपि लागे दीन उपार सतत बिन त्यागे जो हमार हर नासा कान एही कोसला खिचते आन सुनि लक्ष्मण सब निकट बुला दया लागी हंसि सुरत छोड़ा रावण कर दी जो जह पाती लक्ष्मण बचन बात कुल गाती कलहु मुखागर मूग तन मम उत्तेज उदार सीता देई मिलहु न तो आवा पाल उरत नाई नथी पद पद माता चले दूत बर नत गुण गा कहत राम जसु लंका आए रावण चरण सीत तिक नाए दिन से दसानन पूछी बाता समसी न सुख आपनि कुछ लाता उनी कहो खबर विभीषण के जाई बुस्कि आई अपने करत राज लंका जग क्या हो रही जब कर चीत अबागी काल पीत कटकाई कठिन काल प्रेरित कर जिनके जीवन कर रखवारा भय सिंधु तपसिन के बात बिहोरी जिनके भय के फिर गई श्रवण सुजस सुनि वो कांसि नरि पुदल तेज बल बहुत चकित चित तो नाथ कृपा करि पूछहु जैसे मानव मिला जाई जब अंज तुम्हारा रावण दुख हम ही सुनिकाना श्रवण नासिका काटे लागे राम शपथ दिन है खुशी हो नाम राम कटकाई बदन कोटि सत बरनिन जाई नाना बरन भालु कपि धारी सीता नंदी तल भय जयपुर देव अतिव सुत तोरा सकल कपिन महति तोरा अमित नाम भर कठिन कराला अमित नाम भर किशोर विशाला विविध मयंद मीनन अंगद गद बिकटास दधि मुख के हरि निकट सठ
जामवंत बल आदि एक अभिशाप तो क्रीव समाना तिन सम को जनई को नाना राम तो पार अकलित बल की नहीं तुम समान त्रैलो क्यति जनई असमें सुना श्रवण दस कंद पक्ष भकार रचू सप बन नाथ कटक तो नाही जो नाही तेरन माही परम क्रोध नी चली सब हाथ आई से ते नई दे रघुनाथ तो सही सिंधु सहित जस जाल कोर न धर उधर की साल मर की दस दिल वही दस सीसा ऐसे ही वचन कही सब तीसा कर गई सहज असंका मानव रतन सहस हरि सहज सूर कपि बाल सब कुल सिर पर प्रभु राम रावण काल कोटि करू सीत सकई सन